चलिए आते हैं फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग का, बहुत ही कम टाइम के अंदर भी, बहुत ही कम टाइम आपके पास भी है मेरे पास भी है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपने बना के आया तो बिल्कुल सही होगा। पहला क्वेश्चन मेरा था यहाँ पर कि एक वॉच जो है एक घड़ी 9:14 दिखा रहा है, ठीक है, आपको घड़ी की घंटे वाली सुई था मिनट वाली सुई की स्थिति में एक दूसरे से तथ्य था अदला बदली कर दी जाए तो घड़ी द्वारा दिखाई जाने वाला नया समय कौन सा हो सकता है निकटतम। देखिए अगर इसका आप इसमें इसका आंसर आपने सी मार के आया तो बिल्कुल सही है, 3:14। जी हाँ, अगर 9:14 दिखा रहा है तो निकटतम समय भी 3:14 ही दिखाएगा नियरली आसपास में, अदला बदली आपने सी दिया बिल्कुल सही आंसर है। और ये आप आंसर में भी आपका सेम ही होगा, अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर दर्पण में दिखने पर समान दिखते हैं, इसका आंसर आपने दिया है सी नंबर, तो बिल्कुल सही है। चाहता हूँ मैं लिस्ट बताना आप लोग को, तुरंत चिंता मत कीजिए। देखिए आप अगर ए देखो या आई देखो या एच देखो या ओ देखो या फिर यू देखो या फिर एम देखो या फिर डब्ल्यू देखो या फिर एक्स देखो या फिर वाई देखो, तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। चलिए एक दो और वर्ड होते होंगे लेकिन यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 11 ही वर्ड है, आप पढ़कर देख लेना, आप 11 वर्ड है। उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न में से भिन्न हो, तो देखो मुर्गी सांप मगरमच्छ स्वान हो, तो देखो मुर्गी जो है आप लोग का यहाँ पर जो मुर्गी होता है वो क्या होता है वो जमीन के लिए है, सांप मगरमच्छ स्वान ये सबका संबंध जो है आपका थोड़ा बहुत जो है आपका यहाँ पानी से संबंध हो सकता है, इसका आंसर राइट आंसर मुर्गी हो जाएगा। अब ये 34 में कह रहा है कितने त्रिभुज की संख्या, आप गिनते रहना ये आप लोगों का काम है, इसका आंसर बी होगा, आपने बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आते हैं यहाँ पर 35 नंबर कुछ नहीं था, काफ़ी सिंपल, इसका आंसर बी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कुछ नहीं किया हुआ था इसके अंदर, मैं समझाया था आपको टोटल। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ पर 7+3+ करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब वही चीज़ यहाँ पर इसको देखो, आप 3+7+0 करोगे तो भी आपका 10 ही आएगा। अब आप इसको देखो 6+2 करोगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा, और यहाँ पर इसको ऐड कर लो, यहाँ पर 2+2+4 ले लो यहाँ पर तो भी आपका यहाँ पर 8 ही आएगा। देख लो यहाँ पर, अब जो है आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसके बारे में देखो तो 7+3+0 करोगे तो क्या आएगा आपका 10 ही आएगा, और उसके एक में क्या ऐड कर दो कि आपका 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक में अगर 9 ऐड करोगे तो ही आपका 10 आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर कि 5 5 + 5 = 24 लिखते हैं, 7 - 7 = 48 लिखते हैं, 10 में से 10 में क्या लिखेंगे, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से एक घटा दो 24 हो गया, वही चीज़ यहाँ कर दो, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 100 में से 1 माइनस किया तो 99 आ गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, काफ़ी सिंपल आंसर था। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज की संख्या क्या है जिसके शीर्ष के एक अष्टभुज के शीर्ष है लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा उभनिष्ठ है, इसका आंसर 32 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर बी ही होगा। चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए इस सीरीज के अंदर बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सीरीज दिया था ये क्वेश्चन के अंदर में, देखो 80 में से 10 किया 70, 70 में 10 किया 60, उसे 10 में 5 बढ़ा दो 15, 15 में + 5 करो तो आपका 20 आएगा, तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये वीडियो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन आके पॉइंट पर। चलिए आते हैं यहाँ पर इसको देखो, इस वाले को देखोगे तो आप यहाँ पर पहले आया आपको 2, ठीक है, यहाँ देखो पहले क्या आया 2 आया, फिर 1 आया, फिर 1/2 आया, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या था, 2 है, 1 है, 1/2 है, फिर 1/4 है, अगला क्या पूछ रहा था, इसमें से -1 किया, इसमें से -1/2 किया, इसमें से -1/4 किया, अगला में आपको -1/8 करना है, वही पैटर्न चल रहा है, तो इसका 1/8 ही होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, बी दिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस श्रृंखला को देखो आप लोग, इस श्रृंखला को 12 के बाद 13 आया, 13 के बाद 14 आया, 14 का क्या आएगा 15 आएगा आपका, तो 15 इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है आपको। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 6 पुस्तक ABCDEF एक एक पर्सन में रखा जाता है, BCE ये जो जो कह रहा है वो आप कीजिए, इसका आंसर आपका डी होगा। मैं आपको बना दिया हूँ, मैं आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट, आप देख लो। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं सजाया हूँ, ए रेड ओल्ड गैजेटेरियर, बी ब्लू ओल्ड गैजेटेरियर, इसी बिल्कुल आपको ऐसे सजेगा, सी ब्लू ओल्ड कानून, डी रेड न्यू कानून, ई ब्लू ओल्ड गैजेटेरियर, एफ रेड न्यू गैजेटेरियर। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो इसको आप फुलफिल करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर कि कौन सी पुस्तक नई लाल, मतलब नई भी है, लाल भी है और कानून भी है, तो आप यहाँ पर उस नियम को पालन करोगे तो यहाँ देखो आपका जो नियम आएगा उसके अनुसार में देखो आपको डी नंबर, लाल भी है, न्यू भी है, कानून भी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। आपने डी आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है, आपका आंसर आकर डी आ जाएगा। चलिए आते हैं 42 के अंदर में। 42 कह रहा था यहाँ पर एक व्यक्ति है, पहले जाता है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो अब क्या होगा, मानो कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपको कहा गया उत्तर की तरफ जाइए, आप उत्तर की तरफ गए कितना 12 किलोमीटर, फिर कह रहा है पूर्व जाइए, पूर्व आप गए 15 किलोमीटर, फिर यहाँ से कह रहा था फिर से पूर्व, फिर पश्चिम आइए 15, तो फिर से आप यहाँ आ गए, आप यहीं दोबारा पहुँच गए, आप कह रहा है यहाँ से दक्षिण जाइए, तो आप दक्षिण जाकर जाओगे तो यहाँ पर 18 जाओगे, 18
तो कह रहा है ये वाला स्थान से ये स्थान की दूरी कुल कितनी है, तो 18 में से 12 कितना बचता है आपको, 6 बचता है, 6 इसका आंसर हो गया, आंसर आपका ए आ गया। चलिए आते हैं 43 के अंदर में। कह रहा है कि क्लब में 108 सदस्य है, इसमें 2/3 पुरुष है, शेष महिलाएं हैं, 9 ने शादी नहीं की, बाकी सब शादी कर लिया, तो शादी वाली किस्म कितनी है टोटल, तो देखो 108 आदमी है टोटल, 108 का 2/3 निकालोगे तो आपका आएगा यहाँ 72, इसमें से इसमें माइनस करोगे तो आएगा आपका 36, मतलब 36 महिलाएं हैं 72 पुरुष है, सिंपल सी बात है, 36 महिलाएं हैं आपको 72 पुरुष है, 36 महिलाएं में 9 ने शादी कर लिया और बाकी ने शादी नहीं किया, ठीक है, सॉरी 36 में 9 ने शादी नहीं किया बाकी ने शादी कर लिया, 36 में से 9 गया तो आएगा 27, 27 ने शादी कर लिया, इसका आंसर क्या होगा 27। अपने सी एफ का मार के आगे बढ़ो। आते हैं 44 के अंदर में, 44 में कुछ नहीं था, देखो यहाँ पर देखो सी डी ई एफ जी एच आई, आई वाला कौन है, सी एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो एस वाला ये आ गया आंसर आपका। चलिए आते हैं यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर देखो जे के एल एम, तो एन आ जाएगा, एन सी पी सी में है, इसका आंसर बी हो गया। चलिए आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये वाला को बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे दोनों में है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के आ गया, तो इसका आंसर ए आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 47 नंबर, देखो 47 का बहुत ही यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, लेकिन मैंने इसको बना के आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश कर दिया, आप लोग फटाफट नंबर मैच कर लो, अगर आपसे नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आप मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, उस फोटो के माध्यम से आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर में जो कह रहा था वो आप करो, कुल बुलाया करो। क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पहले कहता है कृष्णन का सौ नगर कौन सा है, जो कृष्णन सौ नगर उसका कौन सा है, यहाँ देखो कौन सा है, देखो यहाँ ध्यान से देखो आप, तो ध्यान से आप देखोगे यहाँ पर के अंदर में, तो देखो यहाँ पर मैंने सजाया हूँ, यहाँ पर गोपाल एर्नाकुलम सोनगर है उसका, कोर्स देख लो और शहर देख लो, आप मैं सजा दिया हूँ टोटल इसके अंदर में। पूछ रहा है कृष्णन का सोनगर कौन सा है, तो कृष्णन यहाँ पर है, सोनगर उसका या तो भोपाल है या तो दिल्ली है, मतलब ज्ञात नहीं है हमको, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ 47 का। चलिए आते हैं यहाँ 48 का आंसर, इंदर के सोनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है, देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर, तो इंदर का सोनगर कौन सा है, कटक, और कटक में क्या पढ़ते हैं, चिकित्सा पढ़ते हैं, चिकित्सा, तो क्या हो जाएगा आपको, चिकित्सा हो जाएगा, चिकित्सा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, चिकित्सा विज्ञान बी नंबर। चलिए अब आते हैं यहाँ 49 में, भोपाल में कौन पढ़ रहा है, भोपाल में कौन पढ़ रहा है, आप ध्यान से देखो पढ़ रहा है, सोनगर नहीं है, तो भोपाल में यहाँ या तो पढ़ रहा है आपका गोपाल या पढ़ रहा है इंदर, गोपाल और इंदर में दोनों में कोई एक पढ़ रहा है, तो ऑप्शन में देखो गोपाल अथवा इंदर दोनों है, तो आप यहाँ पर सी बनाओगे। चलिए आते हैं 50 में करा कि इंदर का अहमदाबाद में पढ़ रहा है अगर, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर बी ही होगा, ठीक है, जय अहमदाबाद एर्नाकुलम करके देख लेना आप, तो इसका आंसर बी आ गया। थैंक यू सो मच, आई थिंक आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा रीजनिंग आप लोग, और ये जो आंसर की है उसमें से एक दो अगर इधर होते, लेकिन मेरा 101% मेरा सही है, आंसर की में से बिल्कुल अगर मैच करेगा, आप मिलाकर देख लो, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद जय भारत, और आगे पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यहाँ से ऐसे बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी। बाय।